फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष पर आज बाबा महाकाल ने अपने भक्तों को पंचस्वरूप में दर्शन दिए। यहाँ बाबा को मन महेश, उमा महेश, शिव तांडव, घटाटोप एवं होलकर रूप में सजाया गया। वर्ष में केवल आज के दिन ही बाबा को पंच स्वरूपों में श्रृंगारित किया जाता है। यहाँ महाकाल को पंच मुखोटे धारण कराकर सोने चांदी के आभूषणों से सजाया गया। ऐसी मान्यता है कि जिन भक्तों ने शिव नवरात्रि व महाशिवरात्रि पर बाबा के दर्शन नहीं किए हो तो वे आज के श्रृंगार का दर्शन कर पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। बाबा के इस स्वरूप के साथ ही उज्जैन में विगत कई दिनों से मनाए जा रहे शिव नवरात्रि पर्व का भी समापन हो गया। बाबा महाकाल के दरबार के अंदर फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष के दिन चंद्र दर्शन का महापर्व है। आज भगवान महाकाल एकानंद चतुरानंद पंचानंद राजे पंच मुखार बिंद के रूप में भक्त लोगों को दर्शन दे रहे हैं। शिव नवरात्रि महापर्व पे जो भक्त बाबा के दरबार में नहीं आ सकते हैं वो आज के दिन बाबा के दर्शन कर लेते हैं तो उन्हें महाशिवरात्रि के दर्शन पूजन का फल प्राप्त होता है। भगवान पांचों मुखार बिंद के अंदर भक्त लोगों को दर्शन दे रहे हैं। जय महाकाल। भगवान उमा महेश, मान महेश, तांडव, होलकर, छबीना और वासुकी नाग के रूप में भक्त लोगों को दर्शन दे रहे हैं। बहुत अच्छे दर्शन हुए हैं। जो लोगों को सौभाग्य प्राप्त नहीं हो पाया है, जो शिवरात्रि के दिन नहीं आ पाए हैं, यहाँ पर आकर के वो आज सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर यहाँ पर श्रृंगार हुआ है भगवान का और मंदिर भी बहुत सुंदर सजाया गया है। तो मैं ऐसा बोलना चाहूँगी कि जो लोग ये सोचते हैं कि वो शिवरात्रि के दिन नहीं आ पाए हैं, उन्होंने कुछ मिस कर दिया है, तो उन्होंने कुछ भी मिस नहीं करा है। वो आज भी आकर के दर्शन कर सकते हैं और उतने ही अच्छे से सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। मैं शिवांगी, इंदौर से।